बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं जी, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। जी मैं आया हूँ जिस सफ़ा साइड में, तो यहाँ पे काफ़ी अरसे से चक्कर लगा नहीं, कुछ काम थोड़े टाइम के लिए बंद था। तो अभी आज काम तो इसमें थोड़ा क्लाइडिंग का हो रहा है, ये गेट भी अभी नया लगे तो ये प्रोसेस आपको नहीं दिखा सके। तो उसके बाद में इसकी मार्बल क्लाइडिंग का काम बाहर का चल रहा है। तो ये बेज कलर का मार्बल है, ऑफ वाइट साथ में लाइट कलर है। तो इसकी डिज़ाइनिंग पहली वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ, एक में मैं बनाई थी पहले जब स्टार्ट किया था, और बीच में भी ये वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे ये इंटरलॉक पूरा पार्किंग एरिया में, पहले यहाँ पे हमारा साइन बोर्ड लगा हुआ था और साथ में नीचे ग्रास वगैरह था। तो अभी यहाँ ये चेंजिंग हो गई है, पहले यहाँ पर गेट था इसका स्मॉल गेट, अभी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस साइड में लेके आए हैं। और ये मीटर कैबिनेट्स और डीबीज वगैरह की इससे पहले मैं वीडियो आपसे शेयर कर चुका हूँ। ये हमारा ड्राइवर रूम है बाहर से, इसके ऊपर पहले तो प्लास्टर किया था और किया था प्राइमर। और ये स्टेप्स की भी मैं पहले शेयर कर चुका हूँ आपको पहली वीडियो में। तो अभी ला के यहाँ से खोलेंगे तो अंदर से भी दिखाएँगे ये फाइनली लुक। अभी यहाँ पे थोड़ा काम बाकी है, यहाँ मार्बल लगेगा, ये जो स्टेप्स हैं इसके वो लग गए, बना दिए डेकोर। और साथ में ये शेख जायद रोड के बिल्कुल अपोजिट ही हमारा ये प्रोजेक्ट है, और काफ़ी इसकी वीडियोस आपने देखी हैं जो अंदर से हमने इसमें मजलिस ब्लॉक बनाया है, और उसके बाद में एक किचन ब्लॉक और एक ड्राइवर ब्लॉक। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मार्बल, बाकी अभी क्लाइडिंग का काम अंदर चल रहा है। यहाँ पे इंटरलॉक आपने पहले देखा था, ये सारा चेंज कर दिया हुआ है। और ये भी यहाँ ऊपर पेंट का थोड़ा सा ये काम है, ये पेंट तो किया जाएगा क्योंकि नीचे अभी फुल इसके ऊपर मार्बल नहीं लगाया, और ये नीचे नीचे मार्बल लगा, इस साइड में अभी मार्बल लगेगा। और ये यहाँ पे जी ये डिकोर हमारी ये मजलिस जो बनाई थी इसकी, ये कि ग्रिल्स वगैरह भी लग गई हैं, ये वाली ये जाली इसके ऊपर अलमुनियम की। और अभी यहाँ पे थोड़ा हमारा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का इसमें, क्योंकि ये इंटरलॉक भी पूरा निकलेगा। अभी अंदर आज करेंगे सफाई, क्योंकि आज हम करवा रहे हैं इसकी बल्दिए की इंस्पेक्शन। तो फाइनली यहाँ पे ये बाथरूम है, इसमें मजलिस में पहले आप देख चुके हैं, और ये बाथरूम देखें जी, ये राइट साइड में ये है जी इसकी WC, और ये इसका शावर कैबिन, और यहाँ पे ये जी इसका एरिया जो है वॉश बेसन ऊपर। ये पहले हम सारी आपको वीडियो शेयर कर चुके हैं, अगर आपको चाहिए देखनी है तो ये डिकोर अंदर इसके शैम्पू वगैरह रखने के लिए। ये एक एक स्टेप हम आपको दिखा चुके हैं, जब शावर लगे थे, टाइल लगी थी, ये डिकोर वगैरह बनी थी, एल्युमिनियम का काम, सीलिंग का काम। तो उसके बाद में ये टाइल देखें जी, तो ये बड़ा अच्छा लग्जरी काम हुआ है। अभी बस इसका ये नीचे से सफाई क्लीनिंग का काम बाकी है, ये अभी इसको पूरा कचरा को निकालेंगे, बाहर इसको डंप करेंगे, ये पेंट के डिब्बा वगैरह क्योंकि इंस्पेक्शन है इसकी फाइनली आज। और इसको ये भी पूरा, इसके ऊपर ये कार्डबोर्ड डाला हुआ था ताकि स्क्रैच वगैरह ना टाइल पे पड़े, तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अभी इधर काम अंदर का तो चल नहीं रहा, तो ये भी आप पहली वीडियो में देख चुके हैं, ये टाइल इधर TV का स्क्रीन आएगा इस साइड में ये, और यहाँ पे पेंट्री का ये भी टाइल ब्लैक कलर की लगाई हुई। और अब इसको यहाँ पे आप देखेंगे तो इस साइड में ये डेकोर का काम पूरा, दो रूम में ऊपर ये जिप्सम डेकोर की भी पहले वीडियोस आपसे शेयर कर चुके हैं, बेसिक स्टार्ट में जैसे ये बनता रहा, फिर ये डोर्स वगैरह। तो फाइनली अभी आज इसकी सफाई करके तो इसको आज लेके जा रहे हैं शहादत इंजाज के पास की तरफ, यानी शहादत इंजाज बोलते हैं अरबी में, फाइनल कंप्लीशन रिपोर्ट। तो ये इसके डोर हैं, ये PVC डोर है, लेकिन लगते ऐसे जैसे वुडन डोर है, बहुत ज़बरदस्त
ये भी हम लोगों ने ये काउंटर्स वगैरह लगाए थे, और उसके बाद में ये टब। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ देखें आप, यहाँ पे कोई पीवीसी कॉर्नर नहीं लगाया, ये पूरा टाइल का हमने बनाया था। और ये इसका शावर्स का ये मिक्सचर वगैरह, उसके बाद ये कैबिन बन चुका है, यहाँ पे एक साइड में कैबिन पार्टीशन बन चुकी है डब्ल्यूसी के लिए। और उसके बाद में ये शावर का कैबिन है, और ये इसकी डिकोर है फुल, यहाँ पे कुछ साबुन शैम्पू वगैरह रखने के लिए। तो जितना कोई जदीद काम करवाना चाहे, यानी नया आज के ज़माने के हिसाब से, तो वो भी हम लोग करते हैं। तो ये पैसे पे डिपेंड करता है कि कौन कितना इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये जी देखें आप इसके, और फिर चलते हैं आपको दिखाते हैं जी आगे किचन का जी। तो मैं थोड़ा बिजी हो गया था, ये इंस्पेक्शन बल्दिया वाले आए हुए थे, तो वो फाइनल इसकी इंस्पेक्शन करके गए। तो देखते हैं अभी क्या कमेंट आएंगे, कोई शायद एक दो कमेंट कोई पेंट से रिलेटेड तो आ सकते हैं, बाकी शायद 100% कम्प्लीट भी हो सकता है, तो वो तो अभी देखते हैं। तो ये जी हमारा ये किचन का है, ये कवर्स वगैरह ये पहले मैं वीडियो में नहीं दिखा सका। तो यहाँ पे ये अल्हम्दुलिल्लाह ये किचन काउंटर, ये इसका डस्टबिन का है, ये नीचे यहाँ पे डस्टबिन आएगी, ये काउंटर के अंदर ही है। यहाँ पे हैंड वॉश के लिए ये एक छोटा सिंक लगाया है यहाँ पे, और उसके बाद ये सिंक है। इसके अभी जो टैप है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, अभी फिक्स करने वाली हैं। ये इसके अंदर इसका फ्लो ट्रे भी ला कर रखा हुआ है, टैप भी ला कर रखी है, जो कि यहाँ पे फिक्स की जाएगी। तो इंशाल्लाह जब वो फिक्स करेंगे, तो ये आइसलैंड सॉकेट है, इसके ये काउंटर है टेबल, इसके ऊपर यहाँ पे एक लाइट आएगी यहाँ पे। तो उसके बाद में ये देखें जी, ये इसके ये हमने वायर यहाँ पे रखी हुई है ऑलरेडी, इसकी यहाँ पे वायर है ये दी हुई है। इसमें कोई ओवन वगैरह कुछ लगाने हैं, क्या क्या करना है इसके अंदर, कुछ माइक्रोवेव कुछ इस किस्म की कुछ चीज़ इसके अंदर फिक्स होगी। तो उसके लिए ये पावर यहाँ पे एक सॉकेट आई हुई है, बिठाई नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे भी ये वायर इन्होंने कबर्ड से जब लगाई है, तो उसके बाद ये वायर वगैरह जहाँ चाहिए, तो ये सॉकेट्स यहाँ पे ओवन आएगा। ये पहले हमने एज पर ड्राइंग इसको पूरा बनाया है, जहाँ जहाँ पे जो चीज़ उनको चाहिए था। ये कुकर हुड है, कुकर हुड का पॉइंट ऊपर था, इसके बैक साइड में ये चूल्हे का जो पॉइंट है वो भी दे दिया हुआ था। पहली वीडियोस में आप देखेंगे तो ये पूरा आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे यहाँ पे जो नीचे फ्लोर में भी आइसलैंड की सॉकेट रखी है वो भी हमने शेयर की हुई है। ये जब टाइल लगी थी तो ये भी आपसे शेयर की थी, जब लगाई थी तो आपको देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, कभी एक सेंटर में ऐसे कलर की लगाई और ऊपर दूसरे कलर की है। तो देखें जी आप इसको, ये भी काउंटर लग चुका है, और ऊपर इसकी दूसरी ये जो कबर्ड्स इसके ऊपर लग चुकी हैं, और बाद में ये फिर ये टाइल देखें, ये है टाइल प्रोसलीन टाइल है, उसको यानी 1.5 मीटर बाई 3 मीटर की टाइल थी, जिसको हमने कट करके ये टाइल लगाई है। यहाँ से वहाँ तक ये एक ही पीस है, और वहाँ से यहाँ तक ये एक ही पीस है इस तरह, यानी ये एक इसमें, और इधर से ये एक पीस शुरू होता है और आखिर इधर तक ये जाता है, फिर आगे एक छोटा पीस लगाया। तो इस तरह ये पूरी 1 मीटर 3 मीटर की टाइल से, यानी यहाँ से वहाँ तक ये 3 मीटर जगह बनती है, उसी में से पीस काटे हमने और काट के ये यहाँ पे लगाए हैं। और उसके बाद में ये इसके बेज कलर में ही है, ये ऊपर की टाइल्स है, ये भी 120 बाई 60 की 120 लंबाई है और 60 इसकी चौड़ाई है। ये टाइल पूरी इसमें बाथरूम्स में भी ये लगी है टाइल, और किचन में भी, फ्लोर में भी ये इन्होंने लगवाई है। और ये त्रिशूल जो भी इसके ब्लैक कलर के लग चुके हैं, और ये टाइल इसकी 20 बाई 120 की है, 20 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और 120 इसकी लंबाई है। ये इसका आता है स्टोर में भी टाइल है। इसके बाद ये लॉन्ड्री एरिया है, इसमें भी ये पूरी टाइल है, और ये इसका पैसेज है, वैसे वो ये ओपन किए हैं। तो वो पूरा प्रोसेस जो इसका होता है ये इंस्पेक्शन का, वो के एक दफ़ा एक बाल्टी पानी की इसमें डालते हैं, जो डब्ल्यूसी है वो बाहर चेक करते हैं कि पानी मेन ऑयल में बराबर आ रहा है, और एक डालते हैं इसके अंदर फ्लो ट्रिप में, तो वो फिर जब फ्लो ट्रिप का पानी भी बाहर जाता है तो वो ओके कर देते हैं। स्टेप बाई स्टेप हमारे ये 4 बाथरूम थे, तो स्टेप बाई स्टेप उन्होंने ये चेक किए हैं, डब्ल्यूसी में भी पानी डलवाया
और वायर चेक की है और इसके जो वाश बेसिन है उसमें भी पानी डलवाया और चेक किया है। तो उसके अभी क्या कमेंट निकालते हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स बल्दिया से रिलेटेड तो थे नहीं, तो बाकी इंशाल्लाह अभी जैसे रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो था आज का, ये मैंने आपसे ये फाइनली अभी एक दफ़ा मैं फाइनल जब क्लीनिंग हो जाएगी और पूरा ये काम 100% का ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे लाइट्स वगैरह, ये लाइट ऊपर की, ये डाउन लाइट वगैरह लगी हुई है, स्पॉट लाइट जो है ये ऊपर की, एक यहाँ पे डेकोरेटिव लाइट लगाने वाली है। तो जैसे ही ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो एक मैं फाइनल वीडियो आपको पूरे दिखाऊंगा। तो रहिएगा हमारे साथ, तो इंशाल्लाह बाहर से दिखाते हैं जो क्लाइडिंग का काम चल रहा है ना, वो भी आपसे शेयर करते हैं। पहली वीडियो में भी दिखा चुके हैं ये जो इसका क्लाइडिंग यहाँ पे बाउंड्री पे, तो ये 1.5 मीटर ये क्लाइडिंग लगाई है, ऊपर पेंट आएगा और विल्ला पे जो है वो ऊपर कंप्लीट एक्सटर्नल पूरा क्लाइडिंग लग गया। यहाँ पे ये ड्राइवर रूम के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया है, ये भी लग चुका है बाहर से भी और अंदर से भी। तो ये अब साथ साथ में मेन हॉल बंद किए जा रहे हैं चेकिंग के बाद में। तो यहाँ पे ये चल रहा है जी, अभी स्टोन क्लाइडिंग का काम अभी यहाँ तक रुका हुआ है, तो इस साइड में भी पूरा हो चुका है स्टोन क्लाइडिंग का काम। ये पूरा विले का इधर ये बाउंड्री वाल का भी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। गेट इसका भी, इसका कनेक्शन इलेक्ट्रिक का नहीं किया, तो गेट भी इसका चेंज किया है। ये पहले जो गेट था दूसरा लगा हुआ था, इसकी मोटर वगैरह गेट की वो भी चेंज हो चुकी है। और जी सर जी ठीक है, इसका अच्छा बॉक्स बना दिया, जबरदस्त हो गया ये भी, हाँ नहीं नहीं बड़ा अच्छा हो गया ये। इसका इसका टेस्ला गाड़ी का चार्जर का ये था, इसमें ये पूरा इसका बॉक्स बना दिया मार्बल डिकोर के साथ में, तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे भी अभी सफाई करने बाकी है, पानी गिराया इसमें, थोड़ी मट्टी वट्टी आई है, डब्ल्यूसी में डाला है, स्मेल इसमें बन जाती है अगर डब्ल्यूसी में पानी नहीं डालेंगे या फ्लोर ट्रिम में, तो बाहर से इसकी मेन हॉल की स्मेल आएगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी बस सफाई करने के बाद में ये हमारा प्रोसेस जो आज करने के लिए आए थे ये तो हो गया, इंस्पेक्शन का कम्प्लीट। ये जो क्लीनिंग है ये करेंगे जब बाद में, क्योंकि इसमें डिकोर का ऊपर पेंटिंग वर्क जब ख़त्म हो जाएगा तो इसकी सफाई फाइनली फिर उस वक़्त करेंगे। तो इस पर बल्दिया वाले का इतराज़ नहीं था, बस इसमें यह है कि अभी जैसे पानी डाला है ना, थोड़ा बहुत बाहर कचरा या पानी आया तो वो हमने अब इसकी क्लीनिंग करनी है। ये भी आप देख चुके हैं स्टार्टिंग इसका, पहले आप देखेंगे ना हमारी इस पहले की वीडियो, ऐसे तकरीबन 1 ईयर बिफोर अब पीछे जाएंगे तो पूरी इसकी जो प्रोसेस है, इसका जितना भी टाइल्स का है वो सब आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका मिलेगा। तो दुआ में याद रखिएगा जी, आज के लिए इतनी था, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सबर कर।